नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक। हर कोई चाहता है कि ये टीम शानदार रहे, बढ़िया खेले और कप जीते। लेकिन इस बार 2022 की अगर हम बात करें तो मेगा ऑक्शन होना है। चेन्नई की टीम ने जिन चार खिलाड़ियों को रिटेन किया है उनके नाम आपको पता है। रविंद्र जडेजा नंबर एक पर हुए हैं, धोनी, उसके बाद में उन्होंने मोइन अली को रिटेन किया है और अपने भविष्य के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को। अब सबसे बड़ी बात आती है कि उसके बाद जो खिलाड़ी रिलीज हो गए हैं, क्या धोनी, क्या चेन्नई सुपर किंग उनको टारगेट करेगी, क्या उनके पीछे जाएगी? तो अपनी इस रिपोर्ट में आपको मैं पांच उन खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जिनके पीछे धोनी की टीम बीडिंग में जाएगी, उनके पीछे बोली लगाएगी, करोड़ों रुपए खर्च करेगी और उन्हें अपनी टीम में लाने की भरपूर कोशिश करेगी। इसमें सबसे पहला नाम जो रिपोर्ट मेरे पास तक आ रही है उनमें फाफ डुप्लेसिस का है। फाफ डुप्लेसिस 2021 के हीरो, आपको याद होगा फाइनल में फाफ डुप्लेसिस ने हाफ सेंचुरी लगाई थी और चेन्नई को कप जिताया था। इसीलिए फाफ डुप्लेसिस को क्योंकि रिटेन नहीं कर पाई चेन्नई सुपर किंग, इसीलिए बिडिंग में फाफ डुप्लेसिस के पीछे चेन्नई 100% जाएगी और उन्हें अपनी टीम में लाने की भरपूर कोशिश करेगी। नंबर दो खिलाड़ी धोनी के सबसे चहेते छोटे भाई की तरह दीपक चहर। दीपक चहर तेज गेंदबाज हैं, चेन्नई के लिए बहुत कुछ सीखा है उन्होंने दीपक चहर ने रहते हुए, और अब दीपक चहर चेन्नई में जाने की, चेन्नई दीपक चहर को लेने की भरपूर कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक चहर वो गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। धोनी ने उनसे बहुत पावर प्ले में गेंदबाजी करवाई है और दीपक चहर ने विकेट चटकाए हैं, इसीलिए दीपक चहर को लेने की भी चेन्नई भरपूर कोशिश करेगी और धोनी उनके पीछे जाएंगे। तीसरे नंबर पर है उथप्पा। उथप्पा को भी लेने की कोशिश जारी है, उथप्पा क्योंकि उथप्पा को भी रिटेन नहीं कर पाई सीएसके, लेकिन उथप्पा ने सेमीफाइनल में और फाइनल में बड़ी कमाल की बल्लेबाजी की थी और अच्छा स्टार्ट दिया था सीएसके को, इसीलिए मध्यम क्रम को मजबूत करने के लिए सीएसके उथप्पा जैसे खिलाड़ी को ले सकती है और उथप्पा के पीछे बीडिंग में चेन्नई सुपर किंग जरूर जाएगी। अब जो दो खिलाड़ी हैं उनका अंदाजा आप लगाइए कौन हो सकते हैं, बड़े ही अहम है धोनी के लिए। उनमें सबसे पहला नाम है ब्रावो। ब्रावो के पीछे चेन्नई सुपर किंग जा सकती है। ब्रावो बड़े भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, धोनी के अच्छे दोस्त हैं और चेन्नई के लिए लगातार कई वर्षों से खेलते हुए आ रहे हैं। बहुत मैच चेन्नई को ब्रावो ने जिताए हैं अपनी गेंदबाजी से, अपनी बल्लेबाजी से। स्लो ओवर्स में जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं वो कमाल की है और अपनी स्लो ओवर्स पर जिस तरह से वो विकेट चटकाते हैं वो कमाल का है और आखिर में आकर जिस तरह से फिनिश करते हैं वो भी कमाल का है, इसलिए ब्रावो के पीछे भी चेन्नई सुपर किंग जरूर जाएगी। अब पांचवा और अंतिम नाम धोनी का दोस्त, सबसे जिगरी यार, आप समझिए कौन हो सकता है, मैं बता देता हूं, सुरेश रैना। पांचवा जो नाम है वो है सुरेश रैना का, क्योंकि आपको पता है कि सुरेश रैना को भी चेन्नई सुपर किंग रिटेन नहीं कर पाई, लेकिन रैना ने शुरुआत से आखिर तक चेन्नई के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मिस्टर आईपीएल कहे जाते हैं सुरेश रैना, आईपीएल के सबसे बड़े खिलाड़ियों में उनका नाम है और चेन्नई को बहुत मैच उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर जिताए हैं, मध्यम क्रम को मजबूती देते हैं और लगातार रन बनाते रहते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग उन्हें रिटेन नहीं कर पाई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बीडिंग में चेन्नई सुपर किंग सुरेश रैना के पीछे भी जरूर जाएगी। तो ये पांच वो खिलाड़ी थे जिनके पीछे धोनी और उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग जरूर जाएगी और उम्मीद है कि इनमें से कुछ खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स में आएंगे भी। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि इन पांच खिलाड़ियों में कौन कौन से खिलाड़ी चेन्नई में आ सकते हैं और किन किन के पीछे चेन्नई जाएगी? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम आपके सामने कोई इंटरेस्टिंग खबर लेकर आएं उसकी जानकारी आपको मिल जाए।